फ्रेंड्स, आज हम केक बनाना सीखेंगे और हमारी क्रीम की भी वीडियो है। आप प्लीज़ वो भी वीडियो को देखना, क्योंकि केक के क्रीम के बिना केक अधूरा है। तो आप स्टार्ट करें। हमने दूध लिए है 1.5 लीटर, अपने अंदाजन गाढ़ा होने तलक आपको दूध डाल उतना दूध लेना रहेगा। तो हमने बिस्किट लिए, हैप्पी हैप्पी बिस्किट और टाइगर बिस्किट लिए। और आप कौन सी भी चॉकलेट क्रीम बिस्किट ले सकते हो, मगर उसकी क्रीम निकालना पड़ेगा। हम लोगों ने सिंपल बिस्किट लिए, तो हमें क्रीम नहीं निकालना रहेगा। हमने दो इनो लिया है और शक्कर अपने अभी हिसाब से हम बताएंगे हम आपको कितना डालना है। तो ये 7 से 8 चम्मच होगा शक्कर। तो आपको जितना मीठा चाहिए, आप तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, और आपको मीठा नहीं चाहिए तो आप इतना डालना ही पड़ेगा आपको। तो हम ग्राइंड करने जा रहे हैं मिक्सर में। आपको एकदम बारीक भूक के करना है कि ये पेस्ट बन जाए अच्छी तरीके से। तो हम ग्राइंड ग्राइंड करने जा रहे हैं मिक्सर में। और तो हमने ये पीस लिए मिक्सर में, आप देख रहे हो एकदम बारीक पिसा हुआ है हमारा। तो आपका भी ऐसे ही पिसा होने चाहिए। दूध में हमने बिस्किट डाल दिए, इस तरीके से हो गया। और हमें इस तरीके से फेंटना है और हमें शक्कर डालना है। हमने शक्कर डाल दिए, तो हमने शक्कर डाल दिए और हमें इतना फेंटना है कि इसमें लम्स नहीं रहे एक भी। हमने इनो डाल रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा है इसलिए हम दो डाल रहे हैं। आपका कम बेटर रहेगा तो आप कम डालना, एक ही डालना, हम दो डाल रहे हैं। तो इस तरीके से फेंट के हमें गैस ऑन करना है। उसमें स्टैंड आपको डालना है और स्टैंड डाल के आपको दिखाती हूँ मैं। अभी हम तेल ऐड कर रहे हैं। तो हमने आधा कप तेल डाले, ऑयल डाले, तो ये हमारा बैटर ज़्यादा है, इसके लिए आधा कप डालना है, तो उससे कम डालना है। तो हमने ये केक के बाउल में हमने तेल ग्रीस कर लिए, एकदम साइड साइड में भी और बीच सेंटर में भी। अभी हम इसमें बैटर डालेंगे। तो हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें स्टैंड डाल के। तो हमने केक के बाउल में हमने बैटर डाल दिए। तो हमें फूल नहीं डालना है, हमें थोड़ा कम डालना है क्योंकि वो फूगेगा, इसके लिए स्पंची बनेगा। तो हमने स्टैंड पे रख दिए केक का, ये स्टैंड पे रख दिए और अभी हम ढक के रख देंगे। हम ढकने जा रहे हैं, हमें 15 मिनट ढकना है। ढक के जब तक हमारा केक तैयार नहीं होता है, हम 15 मिनट तक ढके रहेंगे एकदम अच्छे से। तैयार हो गया है क्योंकि हमारा ये केक मतलब खा तैयार हो गया है क्योंकि हमारा छू हमारे वो केक तैयार हो गया है। अब हम ठंडा करेंगे, फिर हम इसमें से निकालेंगे केक के बाउल में से। केक तैयार हो गया है। तो हमारा बहुत स्पंची केक बना है, आप देख रहे होंगे। और अभी हम डेकोरेशन करने जा रहे हैं केक की। हमारा दोनों केक तैयार हो गया है, एक हार्ट शेप वाला था, एक राउंड शेप में। तो दोनों को हमने एक सिंपल तरीके से खाए और वो बहुत टेस्टी केक था। और ये हम राउंड वाला आपको दिखा रहे हैं डेकोरेशन करके, कैसा लग रहा है हमारा केक आप कमेंट्स में करना। और हमारा फुल वीडियो वॉच करना प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।